तो और भाई लोग कैसे हो आप लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो लेकर। गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और भाई लोग आपको जैसे कि मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, अब यार सबसे पहले स्क्रीन पे देख लो कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा गंदा लैग हो रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा घटिया डिवाइस है मेरे पास, तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा लैग होता है। और आपने मेरी वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि मेरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलता है। तो यार उसके लिए मैं सेटिंग्स कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा लो, वो मैं आपको सेटिंग्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो भाई लोग अगर आपको वो सेटिंग्स पता करनी है ना, तो यार मेरे साथ ना आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार इसका हम खेलना है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। ओके सेटिंग्स में जाने के बाद ना आपको जाना है वीडियो में। ओके वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रीन एनिमेशन दिख रहा है इसको बंद कर सकते हो। देखिए इसको बंद करने से इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो फ़र्क मैं आपको बता दूँ। गाइस जैसे कि मान लो आपका ये जो आप अगर इस वाले पोस ये जो गाइस आपको ये ऊपर बटन दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर पोस वाला, अगर आप इसको दबाते हो तो गाइस ये यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं शो करेगा। गाइस डायरेक्ट ये वो स्क्रीन शो करेगा इस, तो एनिमेशन शो नहीं होगा। तो गाइस ये होगा स्क्रीन एनिमेशन बंद करने से। गाइस इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, वैसे इसको बंद करने की इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो गाइस जब आप सेटिंग ओपन कर रहे हो तो ये लोडिंग भी नहीं शो करता। तो भाई लोग यहाँ पे इसको ऑन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसे ऑन ही रखता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे आपको ये जो शॉर्ट सेव आइकन, आउटलाइन सिलेक्शन, इन गेम प्लेयर्स नेम, इसको नहीं बंद करना, और बाकी इन सबको बंद कर दो गाइस, सबको। FQB भी कैन बी ऑल्टर्ड बाय गेम प्ले, इसको छोड़कर और इन गेम प्लेयर्स को छोड़कर, गाइस इनको इन दोनों को छोड़कर आप सब बंद कर दो। और जो रेंडर डिस्टेंस है ना, ये आपको कम से कम रखना है। अगर गाइस वैसे इससे एक नुकसान होता है, आपको दूर तक दिखाई नहीं देता, तो इसे ना बीच में रखो, जितना आपका पहले से आता है ना आपके डिवाइस में उतना ही रखो इसको। इससे कुछ इससे गाइस वैसे इसको अगर कम रखोगे तो इससे आपका परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अगर आप कम रखते हो। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है गाइस पहले के मुकाबले। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे FPS काउंटर को कि गाइस कितना ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। भाई लोग आप देख सकते हो, मतलब यार कितना ज़्यादा फर्क है, जहाँ पे 15 FPS भी नहीं आ रहे थे गाइस, वहाँ पे ना अभी मेरे पास 25 से 30 FPS परमानेंट आ रहे हैं गाइस। अब आप देख सकते हो 20 से 30 FPS आ रहे हैं गाइस, तो ये यार बहुत बढ़िया है। अगर अच्छे FPS आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यार अब मैंने आपका अच्छे से तो चलवा दिया, मैंने आपका अभी अब आपका माइनक्राफ्ट अच्छे से चल रहा है, लेकिन यार मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दो यार, वीडियो को ना लाइक कर दो। और गाइस उसके बाद ना चैनल है ना जो गाइस आपको ये फ्लावर है कलर का जो नीचे बटन दिखेगा उसको यार क्लिक कर दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको उसके साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर भी क्लिक कर देना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और फिर उसके बाद आपके पास एक आखिरी काम रहेगा गाइस, एक लास्ट यार एक काम कर दो बस, वो काम है शेयर करना यार। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उसको यार बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस उसके बाद ना बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।